हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। और मेरे जितने भी प्यारे मित्र मेरे साथी इस चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मैं उनसे छोटी सी अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगी, वो है हमारा बहुत ही खूबसूरत पौधा सदाबहार का। और सदाबहार में दोस्तों, अब बहुत से देसी में भी देसी आता है और अब हाइब्रिड में तो दोस्तों बहुत से कलर आने लगे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं सदाबहार में। और ये पूरे साल भर हमें बहुत अच्छे फूल देता है और सदाबहार, जिसे विनका भी बोला जाता है। और ये गर्मियों का दोस्तों एक बेस्ट प्लांट है, और अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये पूरी गर्मी आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल देगा दोस्तों। और मैं आज इसी पौधे के बारे में आपसे बातें शेयर जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। और आप ये देखिए, मेरा खूबसूरत सा पौधे का जो कलर है, आप देखिए कितना खूबसूरत है ये कलर। ये देखिए आप, ये विनका, ये हाइब्रिड विनका है और इसका कलर आप देखिए, ये देखेंगे कितना खूबसूरत है। तो आज इसी के बारे में जो है कुछ जानकारियां हम शेयर कर रहे हैं। ये मेरे दूसरा कलर है दोस्तों मेरे पास सदाबहार का, ये है दोस्तों लाइट पिंक और ये थोड़ा पर्पलिश कलर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, और आप इसे जो है गर्मी में जब लगाते हैं तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। और ये हाइब्रिड के साथ में जो है दोस्तों बहुत से कलर पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको मिट्टी जो है दोस्तों वेल ड्रेन आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए, और इसको आप बीज से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इस पर मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है कि इसके बीज जो है हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके बीज कलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों, और मैं अब एक दो दिन में जो है इनके बीज जो है इनके बीजों को लगा दूंगी, ताकि मुझे और भी पौधे जो है मिल जाएंगे पूरी गर्मी, और मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल ये देगा। और दोस्तों, इसको अगर हम इन पौधों को अपने गार्डन में लगाते हैं तो हमारा जो गार्डन है वो फूलों से सदैव भरा रहेगा। और ये कुछ ऐसे प्लांट होने बहुत ज़रूरी हैं जो हमें हमारे गार्डन को जो है फूलों से सदैव भरे रखें। तो उनमें से एक पौधा ये भी है जिसमें बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितने गुच्छों में इसमें फ्लावर आए हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखिए कितने गुच्छों में इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो इस तरीके के पौधे ज़रूर होने चाहिए, ताकि हमारा गार्डन जो है फूलों से हरा भरा रहे। और दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं वो अगर कहीं पर भी गिर जाते हैं पॉट के अंदर या कहीं पर भी, तो सॉरी दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये पौधा। और इसके लिए दोस्तों, एक वेल्ड्रेन आप मिट्टी बनाइए और गुड़ाई इसकी बीच बीच में करते रहिए। और मिट्टी जो आप इसकी बनाएं तो गोबर की खाद का प्रयोग करें या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, फंजीसाइड डालें, सैंड का प्रयोग करें, और एक अच्छी सी उपजाऊ मिट्टी बनाकर आप इस पौधे को ग्रो कीजिए, और ये बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको देगा। और दोस्तों, जो ये पौधा है तो इसको आप जब भी लगाएं तो इसके लिए आपको बहुत अधिक बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैंने देखिए, ये मैंने 8 इंच का मेरा पॉट है, प्लास्टिक पॉट है, और 8 इंच के पॉट में मैंने इसको जो है ग्रो किया हुआ है, ये देखिए। तो ये 8 इंच का पौधा है, पॉट है, बहुत अधिक बड़े पॉट में भी हमें इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए कि ये बीज से, इसके बीज जो गिरते हैं तो ये पौधा, जैसा मैंने बताया, कहीं पर भी ग्रो हो जाता है। और ये देखिए, इसमें ये जो बीज अगर इसका गिरा होगा तो ये पौधा जो है यहाँ से उगाया है, यानी एक पौधा और मुझे मिल गया है। और दोस्तों, इसको जो है गुड़ाई के साथ साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए हर 15 दिन के 20 दिन के अंतराल में। और मैं जो है अपने गोबर की खाद का ही, जो गोबर की खाद का लिक्विड बनाती हूँ ज़्यादातर मैं अपने प्लांट्स में, उसी का ही उपयोग करती हूँ। और बस दोस्तों, ये हैं थोड़ी सी, आप बनाना के जो छिलके होते हैं उसका भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, सब्जियों के छिलके जो हमारे रसोई घर से निकलते हैं
उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसका भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी जानकारियां हैं दोस्तों। ये मेरे पिछले साल मैंने पौधा अपना ख़रीदा था दोस्तों, और ये मेरा पिछले साल का पौधा है, और अब फिर से जो है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए आप। और ये मैंने शायद नर्सरी से लिया, 10 या 20 रुपीज़ में लिया है दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट रेट तो याद नहीं है, लेकिन 10 या 20 रुपीज़ का ये पौधा लिया है, और इसके बीज मैंने कलेक्ट कर लिए, तो अब मैं बीज भी लगा दूंगी, तो मुझे और भी पौधे मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पौधा आप अपने इसको जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, और गर्मी में आप बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग अपने गार्डन में आप देखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।